आज खेला गया मुकाबला पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और जो सभी का उम्मीद था वही हुआ। या दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 1 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया है, और जिम्बाब्वे के इस जीत के बाद से पॉइंट्स टेबल में पूरा उथल पुथल सी मच गई है। तो दोस्तों अभी क्या है वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल का हाल के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मुकाबले का, तो दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले में सबसे पहले जिम्बाब्वे ने बैटिंग किया और बेहद छोटा स्कोर 130 रन बनाए 8 विकेट खोकर 20 ओवरों में। लेकिन दोस्तों बता दें कि जिम्बाब्वे एक तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, और स्पेशली सिकंदरा राजा। जी हाँ दोस्तों, सिकंदरा राजा एक बेहतरीन खिलाड़ी है, और बता दें कि इस मुकाबले में 3 विकेट झटके हैं और पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 129 रन बना सकी 8 विकेट खोकर। या दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच सिकंदरा राजा को दिया गया है। तो दोस्तों अब क्या है हाल पॉइंट्स टेबल का, तो दोस्तों बता दें ग्रुप 2 का, तो दोस्तों बता दें कि सबसे नीचे नंबर 6 पर है नीदरलैंड, 2 मुकाबला खेला है, दोनों मुकाबला हार गया है। इसके बाद नंबर 5 पर है पाकिस्तान की टीम, 2 मुकाबला खेला है और दोनों मुकाबला हार गया है, और पाकिस्तान को अब बेहद ही मुश्किल हो चला है कि सेमीफाइनल में जा पाए इस वर्ल्ड कप के। इसके अलावा नंबर 4 पर है बांग्लादेश, 2 मुकाबला खेला है, 1 जीता है 1 हारा है 5-2। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर है जिम्बाब्वे। यहाँ दोस्तों बता दें जिम्बाब्वे अभी 2 मुकाबला खेला है और 1 जीता है और 1 ड्रॉ हुआ है। तो दोस्तों अभी पॉइंट से 3। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 2 पर है साउथ अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 2 मुकाबला खेला है, 1 जीता है 1 रद्द हुआ है, और इसका भी है 3। लेकिन बता दें कि रन रेट में सबसे बेहतर साउथ अफ्रीका ही है। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 1 पर है इस ग्रुप में टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 2 मुकाबला खेला है और दोनों मुकाबला जीता है और 5-4। तो दोस्तों यह है लेटेस्ट पॉइंट टेबल ग्रुप 2 का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस ग्रुप से कौन कौन सी टीम जाने वाली है सेमीफाइनल में, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।